Welcome you friends. In this video we are going to discuss about various diseases of tomato such as damping off, wilt, early blight, late blight, buckeye rot, leaf curl and mosaic. I request you all to keep ready copy and pen before watching my videos. So let's get started. Damping off. This disease is caused by Pythium aphanidermatum. Coming to the symptom. The symptom occurs in two stages, pre-emergence and post-emergence. In the pre-emergence, the seedlings are killed just before they reach the soil surface. The young radicals and plumules are killed and there is complete rotting of seedling. The post-emergence phase is characterized by infection of the young tissues at the collar region. The infected tissue becomes soft and water-soaked. The seedling topple over or collapse. This is the symptom of damping off. जब सीड की सोइंग हो चुकी है उसके बाद क्या होता है, सीड में जर्मिनेशन होता है और प्लूम्यूल्स और रेडिकल बनते हैं. प्लूम्यूल्स और रेडिकल बनने के बाद जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है फिर इसमें रॉटिंग हो जाती है और ये जो प्लांट है वो सॉइल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता. इस कंडीशन को प्री इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं. लेकिन जब सीडलिंग बन चुका है उसके बाद जो इसका कॉलर रीजन है वहाँ रॉटिंग हो जाती है, फिर ये ऊपर का जो पौधा है ये गिर जाता है, इसे पोस्ट इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं. कमिंग टू इटियोलॉजी. द पिथियम बिलोंग टू लोअर फंगस सब डिविजन मेस्टिगोमाइकोटिना. द माइसिलियम इज ब्रांच्ड हायलाइन एसेप्टेट और सिनोसिटिक. द स्पोरेंजियोफोर्स आर सिंपल एंड बियर सिंगल स्पोरेंजिया. दिस इज स्पोरेंजियोफोर एंड दिस इज स्पोरेंजिया. द स्पोरेंजिया आर ग्लोबस विदाउट पेपिली. देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पोरेंजिया ऑफ पिथियम एंड फाइटोप्थोरा. दैट इज द पिथियम स्पोरेंजिया इज विदाउट पेपिली एंड फाइटोप्थोरा स्पोरेंजिया कंटेन पेपिली. उस स्पोर्स आर स्फेरिकल एंड डबल थिक वॉल्ड. उस स्पोर्स इज सेक्सुअल स्पोर्स. द पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज उस स्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर. देन इट विल इन्फेक्ट टू द प्लांट एंड कॉज सिम्टम इधर प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस. इट विल मल्टीप्लाई बाई टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट एंड इट प्रोड्यूस स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया ऑल्सो प्रोड्यूस जूस स्पोर्स एंड स्प्रेड थ्रू विंड रेन एंड इरीगेशन वाटर. इट विल रीच टू अदर फील्ड और अदर प्लांट एंड कॉज द डिजीज. दिस साइकिल इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल. कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी. इट रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउडी डेज, इंटरमीडियंट रेन, डेंस प्लांटिंग एंड पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल. कमिंग टू मैनेजमेंट. वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस सच एज यूज ऑफ रेस्ड सीड बेड, प्रोवाइड लाइट बट फ्रीक्वेंट इरीगेशन, प्रोवाइड बेटर ड्रेनेज, ड्रेंच विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बोडो मिक्सचर टू इन्फेक्टेड एरिया, सीड ट्रीटमेंट विथ फंगस कल्चर लाइक ट्राइकोडर्मा विरिडी और केमिकल थायरम, स्प्रे 0.2% मेटालेक्सिल, सैनिटेशन ऑफ फील्ड, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट. कमिंग टू विल्ट. देयर इज टू टाइप ऑफ विल्ट. फर्स्ट फंगल विल्ट, अनदर बैक्टीरियल विल्ट. फंगल विल्ट इज कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फार्मा स्पेशलिस लाइकोबर्सिकी एंड बैक्टीरियल विल्ट इज कॉज्ड बाई राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम. कमिंग टू सिम्टम ऑफ फंगस विल्ट.
क्लियरिंग ऑफ विंडलेट्स एंड क्लोरोसिस ऑफ द लोअर लीव्स. सून द पेट्योल एंड द लीव्स ड्रूप एंड विल्ट. द यंगर लीव्स मे डाई इन सक्सेशन एंड द इंटायर प्लांट्स मे विल्ट एंड डाई. एट लेटर स्टेज ब्राउनिंग ऑफ वस्कुलर सिस्टम्स अकर. डिजीज्ड प्लांट अपीयर इन पैचेस इन द फील्ड. पहले क्या होता है, जो लोअर लीव्स हैं उनमें येलोविंग होती है, उसके बाद ये ड्रूप हो जाते हैं, मतलब नीचे ऐसे झुक जाते हैं और मुरझा जाते हैं. बाद में जो पूरा प्लांट है वो मुरझा जाता है. अगर हम इन्फेक्टेड स्टेम को कट करके देखेंगे तो हमें ब्राउनिंग दिखाई देता है. ये जो ब्राउनिंग होती है वो फंगस के ग्रोथ के कारण होता है. ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो फील्ड में पैचेस में प्रेजेंट होता है, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो कहीं कहीं होते हैं. कमिंग टू सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल विल्ट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल विल्ट्स आर रैपिड एंड कम्प्लीट विल्टिंग ऑफ नॉर्मल ग्रोन प्लांट. लोअर लीव्स मे ड्रूप बिफोर येलोविंग. पैथोजन इज मोस्टली कन्फाइंड टू वस्कुलर रीजन्स एंड कॉज ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू. इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट व्हेन कट एंड इमर्ज्ड इन क्लियर वाटर अ वाइट स्ट्रीक ऑफ बैक्टीरियल ऊज कैन बी सीन. बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, जो यंग सीडलिंग होते हैं उसमें बिना येलोइंग हुए ही उसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं और झुक जाते हैं. ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली वस्कुलर टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज में भी जो वस्कुलर टिश्यू हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. और जब हम इन्फेक्टेड प्लांट को लेते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं और उसे क्लियर वाटर में डिप करते हैं, तो ये जो टेस्ट है उसको क्या कहते हैं, ऊज टेस्ट. तो ऊज टेस्ट में हमें क्या दिखता है, वाइट स्ट्रीक में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पार्ट से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं. अगर हम फंगस से इन्फेक्टेड प्लांट को लेंगे और ऊज टेस्ट करेंगे तो ऐसे जो बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं ऐसे दिखाई नहीं देते हैं. ये है विल्ट अफेक्टेड प्लांट और ये है हेल्दी प्लांट. इसमें येलोविंग हो गई है और पूरा प्लांट मर रहा है, इसका मतलब है दिस इज कॉज्ड ड्यू टू फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम. और ये यहाँ पर दिख रहा है ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन, ये जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो ब्राउन हो गए हैं. कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ फ्यूजेरियम. फ्यूजेरियम बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना. द माइसिलियम इज सेप्टेट ब्रांच्ड एंड लाइट पिंक इन कलर. इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया. मैक्रोकोनिडिया आर बोर्ड सेप्ड हायलाइन लॉन्ग एंड सेप्टेट. माइक्रोकोनिडिया आर स्मॉल कर्व एंड यूनिसेलुलर. कोनिडियोफोर, द कोनिडियोफोर आर सिंपल स्लेंडर शॉर्ट एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोडोकियम. व्हाट इज अ स्पोरोडोकियम, इट इज अ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी. यहाँ पे बहुत सारे माइसिलियम प्रेजेंट हैं, इसमें कोनिडियोफोर आता है और कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनते हैं. ये मैक्रोकोनिडिया है, ये माइक्रोकोनिडिया है. यहाँ पर क्लेमाडोस्पोर भी बनते हैं. जो मैक्रोकोनिडिया है उसके कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है जिसके कारण से क्लेमाडोस्पोर्स बनते हैं. कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ रालस्टोनिया. रालस्टोनिया इज अ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव एंड रॉड शेप्ड. इट हैज ओनली वन पोलर फ्लेजिला, दैट इज मोनोट्राइकस पोलर फ्लेजिला कॉलोनी. रालस्टोनिया प्रोड्यूस पिंक कलर कॉलोनी इन सीपीजी टीटीसी मीडियम. दिस इज द नेम ऑफ कल्चर मीडियम. देयर कॉलोनी आर म्यूकोइड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. कमिंग टू डिजीज साइकिल. पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है, सॉइल्स में और क्रॉप डेब्रिस में.
फिर जब प्लांट्स लगाया जाता है, इसके रूट डेवलप हो गए, इसमें निमेटोड का इन्फेक्शन होता है। निमेटोड रूट्स में इंजूरी करता है, इसी इंजूरी में ये जो पैथोजन के स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया है ये इंटर करता है और वास्कुलर बंडल्स में मल्टीप्लाई होता है, फिर सिम्टम डेवलप होता है। जो बैक्टीरिया है, फंगस है, अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं। जो फंगस है वो कोनिडिया बनाता है, फिर ये जो कोनिडिया या बैक्टीरियल सेल इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हैं और इस प्रकार से डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। दिस इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। उसके बाद में ये सॉइल में और क्रॉप डेब्रिस में पैथोजन सर्वाइव करते रहते हैं। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, सैचुरेटेड पुअरली ड्रेन सॉइल, वार्म एंड मॉइस्ट वेदर, कल्टिवेशन ऑफ ससेप्टिबल वेराइटीज़ एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन। मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, रिमूवल ऑफ क्रॉप डेब्रिस, निमेटोड मैनेजमेंट, यूज ऑफ हेल्दी सीड्स, रोटेशन विथ नॉन सोलेनेशियस क्रॉप, स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉर्म इम्प्लीमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट लाइक सुडोमोनास। कमिंग टू अर्ली ब्लाइट, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया सोलेनी। कमिंग टू सिम्टम, दिस इज द कॉमन डिजीज ऑफ टोमेटो दैट कैन अकर एनी स्टेज ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। द सिम्टम अपियर एज स्मॉल ब्लैक लीजन मोस्टली ऑन द ओल्डर लीव्स, स्पॉट इन लार्ज अप टू 1 centimeter इन डायमीटर, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स डेवलप इन द सेंटर ऑफ द डिजीज, सीडलिंग इन्फेक्शन कॉज कॉलर रॉट, टिश्यू सराउंडिंग द स्पॉट्स मे टर्न येलो। इफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अकर एट द टाइम, मच ऑफ द फोलियज इज किल्ड। लीजन्स ऑन द स्टेम्स आर सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स। द फंगस ऑल्सो इन्फेक्ट फ्रूट्स जनरली थ्रू द कैलिक्स आर स्टेम अटैचमेंट। कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑल्सो अपियर्स इन फ्रूट्स। ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है अर्ली ब्लाइट का। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा दिख रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है ये जैसे सेंटर है तो इसमें एक रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा, ऐसे। दिस इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो ये जो सिम्टम है ये ऐसे ही दिखाई देता है। ये लीफ में भी आता है, स्टेम में भी आता है और फ्रूट्स में भी आता है। कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, दैट्स वाई द माइसिलियम इज सेप्टेट ब्रांच्ड एंड डार्क इन कलर। द कोनिडिया आर म्यूरीफॉर्म, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेप्टेशन आर प्रेजेंट, इट इज डार्क एंड फॉर्म इन चेन। कोनिडियोफोर आर शॉर्ट डार्क कलर, सिंपल एंड सेप्टेट, द परफेक्ट स्टेज इज प्लियोस्पोरा। दिस इज द कोनिडिया ऑफ अल्टरनेरिया। इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेप्टेशन प्रेजेंट है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, और ये चैन में बनता है। इसका जो कोनिडियोफोर है ये सेप्टेट होता है और सिंपल होता है। ये है कॉलोनी। इसकी अगर कॉलोनी को भी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ये रिंग डेवलप होता है। कमिंग टू डिजीज साइकिल, पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा? क्रॉप डेब्रिस में एज अ कोनिडिया। अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। जो इन्फेक्शन है मोस्टली ओल्डर लीफ में पहले होता है, सिम्टम डेवलप होता है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग डेवलप होते हैं, फिर यहाँ पर कोनिडिया बनता है। ये कोनिडिया विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं, दूसरे लीफ में जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। बाद में जब क्रॉप ख़त्म होने के स्टेज में आ गया है तो ये जो कोनिडिया है वो क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी,
इट रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 24 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज. कमिंग टू मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट, सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, रिमूवल एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड डेब्रिस, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, एंड वी कैन स्प्रे मेनकोजेब व्हेन इट इज नेसेसरी. कमिंग टू लेड ब्लाइट, लेड ब्लाइट इज कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. सिम्टम, वाटर सोक लीजन्स अपियर ऑन द एज ऑफ द लिप्स, लेटर इट टर्न टू लार्ज ब्राउन पैचेस विथ ग्रीन ग्रे एज. इट इज नॉट कन्फाइंड बाई मेजर लीफ विंस, इन्फेक्शन प्रोग्रेस थ्रू लीफलेट एंड पेटियोल्स रिजल्टिंग इन लार्ज सेक्शन ऑफ ब्राउन फोलियज. सेम टाइप ऑफ लीजन्स ऑल्सो अपियर इन स्टेम एंड गर्डल द स्टेम्स, डार्क ब्राउन सर्कुलर स्पॉट्स कवर द लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रूट्स, इट लीड टू द ड्राई ब्राउन रॉट. इन हाई ह्यूमिडिटी वाइट कलर पॉडरी फंगल टिश्यू मे अपियर ऑन द लीफ फ्रूट एंड स्टेम्स. इन कूल वेट वेदर इंटायर फील्ड टर्न्स ब्राउन एंड विल्टेड. ये जो दिख रहा है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का सिम्टम. इसके सिम्टम पहले लीफ के किनारे से स्टार्ट होता है. स्टार्टिंग में ये पहले वाटर सोक्ड लीजन टाइप का रहता है, बाद में ये ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है. ऐसे टाइप के सिम्टम स्टेम और फ्रूट्स में भी आते हैं, और ह्यूमिड कंडीशन में इसमें वाइट कलर के माइसीलियम दिखाई देते हैं. ये जैसे फ्रूट में रॉटिंग हुई है और इसमें वाइट कलर का जो माइसीलियम है वो भी दिखाई दे रहा है. ये आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा प्लांट मरने लग गया है. अब आते हैं इटियोलॉजी में. जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हायलाइन होता है. ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी. इसमें आप देखिए इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप. जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है. दे आर अनब्रांच्ड बियर सिंगल सेल्ड हायलाइन राउंड और ओवल स्पोरेंजिया. सो इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड हायलाइन और ओवल या राउंड होता है, और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है. स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस स्पोर्स बनाता है. ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है, यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस स्पोर्स बाहर आते हैं. एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस स्पोर्स होते हैं. फिर ये जो एक एक जूस स्पोर्स हैं ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे. द फंगल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऊ स्पोर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. सो ऊ स्पोर्स इज अ सेक्सुअल स्पोर्स. और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा, सर्वाइवल के लिए. जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाइडोस्पोर बनता है. अब आते हैं डिजीज साइकिल में. पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज ऊ स्पोर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. ये ऊ स्पोर्स क्लेमाइडोस्पोर्स क्या करेंगे, अगले सीजन में इन्फेक्शन करेंगे और ये स्टोमेटा या वुंड के थ्रू पौधे में इंटर करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं. स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स बाहर आता है और ये जूस स्पोर्स रेन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में या दूसरे फील्ड्स में मूव करता है और वहाँ इन्फेक्शन करता है. कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउडी डेज, इंटरमीडियंट रेन, डेंस प्लांटिंग एंड पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल.
कमिंग टू मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस सच एज क्रॉप रोटेशन, समर डीप प्लोइंग, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस, प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द फील्ड, सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स. वी शुड ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक ओटावा 31 एंड ओटावा 30. सीड ट्रीटमेंट विथ मैनकोजेब. फोलियर एप्लीकेशन ऑफ रिडोमिल. द रिडोमिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एक्सिल एंड मैनकोजेब. सॉइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा. Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.